नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ओपिनियन पोल पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले अगर बात करें खींवसर विधानसभा सीट की, तो हम आपको बता दें कि नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खींवसर की विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, इसलिए खींवसर की विधानसभा सीट पर 2024 में उपचुनाव हो रहे हैं। खींवसर विधानसभा सीट पर पिछले 4 विधानसभा चुनावों से हनुमान बेनीवाल का ही दबदबा रहा है और 2024 में होने वाले उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी नागौर की सीट पर हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। ऐसे में अगर खींवसर की विधानसभा सीट पर आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो बेनीवाल का उम्मीदवार एक तरफा चुनाव जीत जाएगा, और अगर खींवसर में आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है तो आरएलपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि उपचुनाव में गठबंधन हो या नहीं हो, खींवसर में हर परिस्थिति में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के उम्मीदवार का पलड़ा ही भारी रहेगा। इसके बाद अगर बात करें झुंझुनू विधानसभा सीट की, तो हम आपको बता दें कि झुंझुनू की लोकसभा सीट से बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद झुंझुनू की विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, इसलिए झुंझुनू की विधानसभा सीट पर भी 2024 में उपचुनाव हो रहे हैं। झुंझुनू की विधानसभा सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ओला परिवार का दबदबा रहा है, और ऐसे में अगर कांग्रेस उपचुनाव में भी ओला परिवार के किसी सदस्य को टिकट देती है तो झुंझुनू की विधानसभा सीट पर 2024 में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत भी पक्की है। इसके बाद अगर बात करें देवली उनियारा विधानसभा सीट की, तो हम आपको बता दें कि टोंक सवाई माधोपुर की लोकसभा सीट से हरीश चंद्र मीणा के सांसद बनने के बाद देवली उनियारा की विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, इसलिए देवली उनियारा की विधानसभा सीट पर भी 2024 में उपचुनाव हो रहे हैं। देवली उनियारा ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव में उलटफेर हो सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में खींवसर के साथ साथ देवली उनियारा की सीट भी मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी हालात में देवली उनियारा की सीट गठबंधन के तहत आरएलपी को नहीं देने वाली है। ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो देवली उनियारा में अलग से आरएलपी का उम्मीदवार देखने को मिल जाएगा, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। देवली उनियारा में ये पूरी संभावना है कि बीजेपी गुर्जर उम्मीदवार को जबकि कांग्रेस मीणा उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेगी, लेकिन फिर भी देवली उनियारा की विधानसभा सीट पर 2024 में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद अगर बात करें 84 विधानसभा सीट की, तो हम आपको बता दें कि बांसवाड़ा की लोकसभा सीट से राजकुमार रूट के सांसद बनने के बाद 84 विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। 84 की विधानसभा सीट एसटी की रिजर्व सीट है और आदिवासी बाहुल्य वाली विधानसभा सीट मानी जाती है। 84 की विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा रहता है। 2023 की विधानसभा चुनाव में भी 84 से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रूट लगभग 70,000 वोटों से चुनाव जीते थे, और अब 2024 में होने वाले उपचुनाव में भी ये माना जा रहा है कि 84 विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार एक तरफा चुनाव जीतेगा। इसके बाद अगर बात करें दूसरा विधानसभा सीट की, तो हम आपको बता दें कि दूसरा की लोकसभा सीट से मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने के बाद दूसरा की विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, इसलिए दूसरा की विधानसभा सीट पर भी 2024 में उपचुनाव हो रहे हैं। दूसरा की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उलटफेर हो सकता है। दूसरा में कांग्रेस और बीजेपी के टिकट पर निर्भर होगा कि चुनाव कौन जीतेगा। दूसरा विधानसभा के उपचुनाव में जिस पार्टी ने जातीय समीकरण अच्छे से साध लिए उसी की जीत होगी। ऐसे में अगर कांग्रेस किसी जिताऊ मीणा उम्मीदवार को टिकट दे देती है तो दूसरा में कांग्रेस की जीत भी फाइनल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राजस्थान में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।